हम पश्चिमी चौपारण बिहार से लेकर आ रहे हैं नीतीश जी के बारे में आप लोग को बताएंगे, ठीक है। जब नीतीश जी की सरकार भया तो कितने दारू वाला लोगों को पकड़ा गया, कितने के गुर्दा, कितने के किडनी खराब हो गया, तो नीतीश कुमार ने वहाँ बहुत बड़ा लिया एक्शन, ठीक है। तो सुनिए नीतीश कुमार कैसे एक्शन लिया है। मेहरारू लोन के भाव बढ़ल नीतीश जी के सरकार भैले से, ये भैया मर्दे लोन के भाव घटल खाली एक बोतल दारू लगौले से। दारू की रुकबंदी हो गई, लड़का रोवा तक कोरा में तो नेपाल से दारू कस के आवा था यूपी में और बिहार में बोरा में। हम जाना था नहीं, ये भैया ये पानी खाना खेले बने तो पानी पिएल बने लोटा से, हाई भैया आज दारू पिएल बने 5 किलो कोटा से, 5 किलो रसायन में बेच देता लोग, वही से दारू पी लेता भैया। तो और सुन लल जा, पहले शादी ब्याह काम रहा तो पर दही चिवड़ा की नाम रहा, पहले शादी ब्याह काम रहा तो पर दही चिवड़ा की नाम रहा, एबरा शादी ब्याह काम बा तब मुर्गा मछली हलाल बा। दही चिवड़ा सहता भैल पंडित मोल मिलोन के छोड़ने से, गोश मछली महंगा हो गई भैया खाली पंडित मोल मिलोन के खेले से। और सुन लल जा, सोना चांदी के भाव घटल गली खाली गिलट के चलने से, जींस टी शर्ट महंगा हो गई भैया लड़की लोन के पहनने से, हमने के पहनाव ले लल जाए, हमने के सुझाव डल जाए बेटी काल तू जींस न पहरा ताके जमा था सूट सलवार पहरा ली। अब तो कितने लड़की सर टकिया पहरा तड़ी, ऊपर बवाल हो जाता, मेकअप चोरी के नहीं जातड़ी, गाना गलो सौरे बाड़ू तक जान मारे लू, जब पर्दम रहू तो नहीं जान मरबू, नहीं सटाके की उफारी गोड़ी के तेल सहता बैल खाली गमकौआ तेल लगौले से, नील सब महंगा हो चुटपुटिया नेता लोन के कुर्तम लगौले से। जय हिंद जय भारत। नमुआ अपन परिचय दीजिए। नमुआ सरफुद्दीन अंसारी हमारा नाम है। कहाँ के रहने वाले, किस जिला के रहने वाले? महाराजगंज जिले से हम लोग है। हमारा क्षेत्र सिसवा बिनान विधानसभा पड़ता है, हमारा तहसील और ब्लॉक निचलौल। गंगुआ कहाँ है? ग्राम सोगी बरवा मुजा टोला के निवासी। गाना जो आप गा रहे हैं बड़े मजनू की तरह गाना गा रहे हैं, क्या बात है? अभी मजनू थे क्या अपने बचपन में? हम भी मजनू है। अभी मजनू, हमारा गांव दिलवाले है, हम भी दिलवाले हैं। तो गांव के लोग क्या कहते हैं आपकी, बताइए हमको? कभी कभी हम लोग कोई नेता आता है ये बताइए, इतना बढ़िया गाना वाला गा रहे हैं, एकदम बड़ी दिलवाले व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। इनको सब लोग लुक करते हैं, इसलिए कि मान लीजिए कोई भी बात बोलते हैं, चाहे कोई भी बात करते हैं, कॉमेडी टाइप बोल रहे हैं, कोई बतिया तो वहाँ पे शायरी लगा करके बोलते हैं। शायरिया नहीं बोलते, शायरी बोलते हैं ना, तो क्या शायरी सुनाइए? शायरी सुनाइए, सुना दीजिए। किसी शायर ने सच्चे में कहा है, ना हम हिंदू है ना मुसलमान है, ना हम हिंदू है ना मुसलमान है, और मंदिर और मस्जिद से पहले हम लोग इंसान है। पहले हम लोग तो इंसान के जन्म पाते हैं धरती पर, तो हम हिंदू है तो मंदिर बनाते हैं, मुसलमान है तो एक मजहब के लिए अपना मस्जिद बनाते हैं। तो नेताओं ये दोनों को लड़ाने के कैसे काम करता है, और सुन लीजिए। जैसे अंग्रेज हमारा हिंदुस्तान का जकड़ में रख लिया है, ठीक है, तो हम जुड़े हैं। आज गांधी महात्मा ऐसा इंसान इंडिया में पैदा नहीं होता, तो जय श्री राम और नारे तकबीर के नारा नहीं होता। भीमराम बाबा ऐसा अपडेक्टर हमारा हिंदुस्तान में पैदा नहीं होता, तो जय हमारा देश में संविधान लिखा नहीं होता। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक बार अपना नाम परिचय दे दीजिए। क्या नाम है? सरफुद्दीन अंसारी। दोस्तों ये हैं सरफुद्दीन अंसारी, जिला महाराजगंज के रहने वाले, सोगी बरवा मुजा टोला के रहने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सामाजिक गीत कविता सारी बोल रहे हैं। आप लोगों को इनका वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, और साथियों मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय साथियों, धन्यवाद।